हाँ बिल्कुल, थ्री इमेजेस बनेंगी। देखिए बेटा एक बार, इसमें दो 90 डिग्री पर मिरर्स हैं और नंबर ऑफ इमेजेस टोटल देखनी है आपको कितनी बनेंगी इसमें। तो कैसे देखेंगे आप? बिल्कुल उस तरीके से देखिए, एक एक इमेज बना के देखिए। या आपने ओ पॉइंट लिया तो इसको कैपिटल आई बोल दीजिए, इसको स्मॉल आई बोल दीजिए, ठीक है। ये डिस्टेंसेस के नेम भी दे देते हैं अपन इसमें, जैसे इस डिस्टेंस को बी बोल देते हैं और इसको ए बोल देते हैं, बी और ए बोल दिया आपने। तो एक एक मिरर में देखिए फिर उसको आगे ट्रांसफर होगी या नहीं होगी, ध्यान से देखेंगे ये चीजें। ये आपका बी डिस्टेंस हो गई, ये आपकी ए डिस्टेंस हो गई, ठीक है। अब आई, कैपिटल आई वाले मिरर में इस ऑब्जेक्ट ओ की इमेज कहाँ बनेगी? इससे इतनी डिस्टेंस पर यहाँ बनेगी, बी डिस्टेंस पर ही। और कितनी हो जाएगी आपकी ये, इसको क्या नाम देंगे? I1 नाम देंगे। एक एक बनाते जाइए बेटा मेरे साथ, जैसे मैं करता जा रहा हूँ, ठीक है। O की इमेज इसमें I1 बनेगी, इस वाले में कितनी बनेगी? इस वाले में इससे नीचे इतनी डिस्टेंस पर, उसी A डिस्टेंस पर क्या बन जाएगी? पहली इमेज I1 बनेगी। अब बात आती है, क्या ये I1 आगे ट्रांसफर होगी क्या दूसरे मिरर की वजह से? तो वो देखने का तरीका वही है, आप I1 का फील्ड ऑफ व्यू देखिए। ये I1 का फील्ड ऑफ व्यू आ रहा है, I1 का फील्ड ऑफ व्यू बेटा कैपिटल I1 का कैपिटल I में देखेंगे, ध्यान रखना। तो कैपिटल I1 में इमेज, या एक पहले मैं I क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इमेज इसमें बनी है इस मिरर में, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू इस मिरर में कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो इस फील्ड ऑफ व्यू में ये मिरर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है वाला मिरर इसके फील्ड ऑफ व्यू में, कैपिटल I1 के फील्ड ऑफ व्यू में वाला मिरर बिल्कुल आ रहा है, तो इसलिए अब इसकी इमेज इसमें भी बनेगी, ठीक है ना। और इस I1 की स्मॉल I वाले मिरर में इमेज कहाँ बनेगी? वही एक्सटेंड करके बनाओगे, कितनी नीचे बनाओगे? जैसे ये आपकी ए डिस्टेंस है तो ए डिस्टेंस नीचे ही बना दो। अभी I1 की किस में इमेज बनी? इसमें बनी है। और कौन से नंबर की है ये? दूसरी इमेज है, पहली तो ये बन गई थी इसमें, इसको इसलिए मैं I2 बोल दूंगा, ठीक है। इसलिए इसको मैं क्या बोल दूंगा? I2 बोल दूंगा। तो ये I2 बन गई, ठीक है। अब एक बार I2 देख लो, I2 किस मिरर में बन रही है? इस वाले मिरर में बन रही है I2। तो I2 का फील्ड ऑफ व्यू देखिए आप ध्यान से बेटा, एक तब ध्यान से करना है बिल्कुल। ये I2 का फील्ड ऑफ व्यू ये होगा बेटा। तो I2 के फील्ड ऑफ व्यू में क्या कैपिटल I आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। I2 के फील्ड ऑफ व्यू में कैपिटल I नहीं आ रहा है, तो ये I2 आगे ट्रांसफर नहीं होगी, यहाँ बात खत्म हो गई है इसकी, ठीक है ना। इस I1 से इस मिरर में I2 बनी, I2 आगे ट्रांसफर नहीं होगी क्योंकि उसके फील्ड ऑफ व्यू में ये वाला मिरर नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? और फिर ये I1 आगे ट्रांसफर हो रही है क्या, जो पहली I1 बनी? I1 का फील्ड ऑफ व्यू स्मॉल I1 है, तो स्मॉल I में इस फील्ड ऑफ व्यू देखेंगे इसका, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू कौन सा आ रहा है? ये फील्ड ऑफ व्यू आ रहा है। तो इसके फील्ड ऑफ व्यू में क्या ये मिरर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है इसके फील्ड ऑफ व्यू। तो I1 की इसमें भी इमेज बनेगी, I1 की इसमें इमेज कहाँ बनेगी? अगर ये बी डिस्टेंस पर है तो बी इसमें कोइंसाइड कर गई बेटा, दो इमेज I1 की इसमें देख रहे हो आप, तो क्या हो जाएगी? I2 हो जाएगी। तो ये स्मॉल I2 और कैपिटल I2 दोनों कोइंसाइड कर जा रही है इसमें, ठीक है। तो इस वजह से आपकी जो नाम देखो, इमेजेस देख लो आप कितनी आ रही है, 1 2 3, थ्री इमेजेस आ रही है, दोनों कोइंसाइड कर गई, तो एक ही इमेज गिनेंगे इनको, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ रही है इसमें? तो ये एग्जैक्ट मेथड है मेरा देखने के, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ रही है? थ्री इमेजेस आ रही है। इसमें आपको आइडिया होना चाहिए कैसे आगे चलेंगे। तो एक बात और इम्पोर्टेंट बेटा, इस तरह इंटरसेक्टिंग मिरर को आप किसी भी एंगल पे रख दो, जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो सारी एक सर्कल पे लाई करेंगी, सर्कल का सेंटर मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। और रेडियस कौन सी होगी? ये वाली रेडियस होगी। तो ये सबकी रेडियस देख लो, ये कितनी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, सारे इमेजेस की डिस्टेंस इससे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सारी इमेजेस एक सर्कल पे लाई कर रही हैं, उस सर्कल का सेंटर आपका कौन सा है? मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट उस सर्कल का सेंटर है, ठीक है। दिस ऑल इमेजेस, ऑल थ्री इमेजेस आर लाइंग ऑन ए सर्कल हुज सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ मिरर्स एंड हुज रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ मिरर्स। इसको क्या नाम दे इंटरसेक्शन पॉइंट को? कुछ भी नाम दे दो उसको, वो तो अपन ने ऑब्जेक्ट को बोल दिया इसलिए इसको वो नहीं बोल रहे।
इसको सी बोल दो आप, सी इंटरसेक्शन सी बोल दो, ठीक है। तो ओ सी रेडियस होगी, तो रेडियस ऑफ सर्कल ऑन विच ऑल द इमेजेस आर लाई इक्वल टू, रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो गई, रेडियस ऑफ सर्कल जिस पर सारी इमेजेस लाई करती हैं ओसी हो गई, और आपका जो सेंटर है वो हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ मिरर्स, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ मिरर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत बेटा इस मेथडोलॉजी में किसी को भी, कैसे इमेजेस रुक गई हैं आगे ट्रांसफर होना और किस तरीके से आप फाइनल स्टेज पर पहुंच जाएंगे, और ये ध्यान रखेंगे सारी इमेजेस एक सर्कल पे लाई कर रही हैं जिसका सेंटर मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ऐसा केवल 90 के लिए नहीं, 30, 120 कुछ भी कर दो आप, दो इंटरसेक्टिंग मिरर का स्टैंडर्ड केस है कि सारी इमेजेस एक सर्कल पे लाई करती हैं जिसकी रेडियस वही होती है डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्शन पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट, एंड सेंटर उस सर्कल का होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर्स।